Hello, what's up people? Welcome back to another episode of BC Rewind, your weekly dose of news entertainment. My name is Vipin Peter, yaar. Let's start. All right, so last week Salman Khan ki film Tube Light ka teaser release hua. And as always, Salman Khan fans were like, Bhai bhai! भाई जिन शाहरुख खान फैंस को ये पता था कि SRK भी इस मूवी में है, वो इस टीजर को बार बार ये सोच कर देख रहे थे कि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और टीजर रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर ही इट हैड ओवर 50 लाख व्यूज ऑन यूट्यूब। आई एम टेलिंग यू, इन दोनों के पैचअप से ना उन हार्डकोर फैंस की जिंदगी बर्बाद हो गई है जो इनके नाम पर दिन भर लड़ते रहते थे। सत्यानाश कर दिया, अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती। हमने सोचा चलो यार इस बार SRK से बात करते हैं। हाँ तो शाहरुख बताइए, आपको सलमान की फिल्म में काम करके कैसा लग रहा है? मुझे ये लगता नहीं था कि मैं इस मुकाम पर पहुंच सकता हूँ। अच्छा, आप अपनी पिछली कुछ फिल्म्स के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बेकार है, बिल्कुल अच्छी नहीं। क्या ये सच है कि आपकी खुद की फिल्म नहीं चल रही इसलिए अब आप सलमान की फिल्म में आ रहे हो? अब जो है वो है यार। खैर छोड़िए, ये बताइए कि जब से आपका और सलमान का पैचअप हुआ है आपने सलमान को क्या सिखाया है? एक छोटी सी बात ये भी थी कि वो जल्दी सो जाते तो उनको मैंने देर जागना सिखाया। और दो पैग पीने के बाद सलमान के साथ आपको कैसा लगता है? फिर वो परेशानी लगने लगता है। तो आपको क्या लगता है, सलमान को जो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस मिल रही है क्या वो उनके टैलेंट के हिसाब से सही है? टैलेंट से तो बहुत ही ज्यादा है। तो सलमान और आमिर की फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? कोई कॉलेज में एनरोल होऊंगा, थोड़ा इंटर्नशिप करूंगा और फिर शायद हिम्मत बढ़ा के करने की कोशिश करूंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको सलमान की लाइफ में से एक चीज दी जाए तो आप क्या लेंगे? 4-5 दिन कभी साल में उसकी जिंदगी जीने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू SRK। अच्छा सलमान भाई, जरा इन लोगों को बता दो यार कि हमारी वीडियो को देखने के बाद इन लोगों को क्या करना है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मूविंग अहेड, लास्ट वीक इंडियन रेलवेज का एक स्कैम सामने आया। एक्टिविस्ट अजय बोस ने एक RTI फाइल किया तो पता चला कि इंडियन रेलवेज जो सामान खरीदने के लिए अमाउंट पे कर रहा था उसमें हो रहा था You won't believe, पर 100 ग्राम दही जो 25 रुपए में मिल जाती है उसके लिए 972 रुपीस पे किए गए। एंड 1 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल वॉज बॉट फॉर 1273 रुपीस। अरे हो गया ऐसा अंकल, आपको क्या लगता है मैं क्या कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। आई एम जस्ट वंडरिंग के इतना खर्चा करने के बाद तो रेलवेज का खाना कुछ ऐसे सर्व होना चाहिए ना। आ गया खाने वाला, आ गया, खाओगे मजा पाओगे, चखोगे याद रखोगे। मूविंग अहेड, द वेरी पॉपुलर SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो को उसका सबसे बड़ा फैन मिल गया। केरला के ऑटो रिक्शा ओनर सुनील PS ने अपने ऑटो रिक्शा को कुछ ऐसे मॉडिफाई किया कि वो महिंद्रा स्कॉर्पियो दिखने लगा। Oh my God. एक सेकंड के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाई। बैकलाइट से लेकर स्पेयर व्हील तक सब कुछ स्कॉर्पियो से इतना मैच कर रहा था दैट एवरीवन वाज लाइक सीता और गीता। जब ट्विटर पे ये बात महिंद्रा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा को पता चली तो ही वाज लाइक ढूंढो यार इस बंदे को, जल्दी ढूंढो। एंड एवरीवन वाज लाइक कहां हो तुम, कहां हो तुम। आनंद महिंद्रा सेड यार मुझे ये मॉडिफाइड ऑटो मेरी कंपनी के म्यूजियम के लिए दे दो और मुझसे एक नया 4-व्हीलर ले लो। एंड आई वाज लाइक द ऑफर इज टू माउथ वाटरिंग। एंड गेस व्हाट, लोगों ने सुनील PS को ढूंढ निकाला एंड एज प्रॉमिस उन्हें अपने ऑटो के बदले में नया 4-व्हीलर मिल गया बॉस। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। और दैट्स इट फॉर दिस वीक, वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मंडे। और अगर आपको रोज ऐसी बकर सुननी है तो यहां ये जो लिखे हुए ना यहां आ जाओ, ठीक है? Bye.